लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने बनाई बढ़त, बीजेपी को सपा को पछाड़ने के लिए अब यहां भी बहाना पड़ेगा पसीना। लोकसभा के साथ उच्च सदन के लिए भी बिछेगी चुनावी चौसर, इन नेताओं की खाली सीटों पर होगा इलेक्शन। सपा के लिए राज्यसभा में बढ़ेगा मौका, बसपा शून्य, सपा पाएगी नेता प्रतिपक्ष का पद। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सियासी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए समीकरण साधना और पसीना बहाना शुरू कर दिया है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की इस लड़ाई के बीच यूपी में दिल्ली और यूपी के उच्च सदन के लिए भी चुनाव चौसर बिछेगी। राज्यसभा में यूपी के कोटे की 10 सीटों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। वहीं विधान परिषद में भी विधायक कोटे की 13 सीटें 5 मई को खाली हो जाएंगी। इसलिए लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ दलों को इन सीटों का गुणा गणित साधने के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से 9 सीटें भाजपा के पास हैं। सपा से इकलौती सीट जया बच्चन की खाली हो रही है। चुनाव आयोग मार्च में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। वहीं विधान परिषद में खाली हो रही 13 सीटों में से 10 भाजपा, एक उसके सहयोगी अपना दल और एक एक सपा और बसपा के पास है। 5 मई के पहले इन सभी सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। मार्च 2018 में 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में सपा ने जया बच्चन को उतारा था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश में सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग और संख्या गणित में भाजपा भारी पड़ी और उसने अपने 9 उम्मीदवार जिता लिए। सपा से जया बच्चन जीती, लेकिन बसपा से भीमराव हार गए थे। 2022 के चुनाव के बाद विधानसभा के बदले गणित के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी सीटों को बचा पाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में संख्या बढ़ाने का मौका होगा। विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से राज्यसभा से एक प्रत्याशी जिताने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी। सपा के पास 109 और रालोद के पास 9 विधायक हैं। 118 विधायकों के साथ सपा कम से कम 3 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 279 विधायक हैं। ऐसे में 7 सीटों पर उसकी जीत पक्की है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, जनता दल के पास 2 और बसपा के पास 1 विधायक है। जनता दल का समर्थन आमतौर पर भाजपा को रहता है। पिछले MLC चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने किसी का समर्थन नहीं किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से नए दोस्तों को जोड़ने तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में चुनाव के समय तक दोस्ती और निष्ठा के टिकने और डिगने के आधार पर संख्या और समीकरण बदल भी सकते हैं। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस पहली बार यूपी के विधान परिषद में शून्य पर पहुंच गई। अगर कोई दोस्त नहीं मिला तो विधानसभा में 1 पर पहुंच चुकी बसपा मई में विधान परिषद में शून्य हो जाएगी। उसके पास सिर्फ 1 विधायक है और इस आधार पर उसका उम्मीदवार पर्चा भी नहीं भर सकता, क्योंकि नामांकन के लिए भी 10 प्रस्तावक की जरूरत होती है। विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से विधान परिषद में एक प्रत्याशी जिताने के लिए 29 विधायक की जरूरत होगी। अगर सत्ता और विपक्ष अपने मौजूदा सभी सहयोगियों को तब तक साथ रखने में सफल रहे तो भाजपा गठबंधन कम से कम 9 और सपा रालोद गठबंधन 4 सीटें जीतने की स्थिति में होगा। इसका एक बड़ा फायदा सपा के लिए ये होगा कि एक बार फिर वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की सीट की दावेदार हो जाएगी। 5 मई को खाली हो रही सीटों के हिसाब से सपा की सदस्य संख्या घटकर 8 रह जाएगी। सपा के पास अपने 109 विधायक हैं। ऐसे में कम से कम 3 सीट वो अपने दम पर जीतने की स्थिति में है, लिहाजा परिषद में उसका दहाई में जाना तय है और उसे नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिल जाएगा।